डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। और इस चैप्टर, इस फिजिक्स के एक पार्ट में हम लोगों ने अभी पढ़ रहा था चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। जो चुंबकत्व से रिलेटेड एक खंड है, उस खंड का ये पहला चैप्टर था, जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में उदासीन बिंदु के बारे में पढ़ा और चुंबक एक परिनालिका जैसा आचरण भी रखता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो इसी के साथ वो जो चैप्टर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे थे, वो हम लोगों को खत्म हो गया है, पूरी तरीके से एंड हो गया है। तो अब आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये नया चैप्टर उसी खंड का है, यानी कि बात किया जाए तो ये जो खंड है फिजिक्स के, खंड तीसरा है, जिसका नाम है चुंबकत्व। चुंबकत्व ये खंड का नाम हो गया, क्योंकि आप जानते हैं हम लोगों का जो खंड है वो छह खंडों में बटा हुआ है फिजिक्स, जिसमें हम लोग तीसरा खंड आज शुरू हो चुका था तीसरा खंड, लेकिन तीसरा खंड में मात्र दो चैप्टर है। तो पहले चैप्टर का नाम था विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं तीसरे खंड का, जिसका नाम है चुंबकत्व, इसका दूसरा नंबर चैप्टर, ठीक है। अब दूसरा नंबर चैप्टर क्या नाम क्या है, पदार्थ के चुंबकीय गुण, पदार्थ के चुंबकीय गुण, जिसको हम लोग पार्थिव चुंबक भी बोलते हैं, पार्थिव चुंबक। तो ये हम लोगों का चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है, ये खंड दूसरा है, सॉरी खंड तीसरा का ये दूसरा चैप्टर है। और कुल मिलाकर अगर दूसरा चैप्टर अगर हम लोग खत्म कर लेंगे तो खंड तीन हम लोगों का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग खंड फोर को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर शुरुआत किए हुए हैं, पदार्थ के चुंबकीय गुण, यानी कि किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण भी पाया जाता है, जिसको हम लोग पार्थिव चुंबक भी कह सकते हैं। तो ये हम लोगों का ये चैप्टर है। अब इसमें सबसे पहले टॉपिक्स बनाया जाए चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण टॉपिक देकर उसके नीचे फर्स्ट एरो लिखा जाए, पदार्थ की परमाणविक संरचना के अनुसार, पदार्थ के परमाणविक संरचना के अनुसार प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन के तरह या इलेक्ट्रॉन के जैसा अपनी निश्चित कक्षाओं में, अपने निश्चित कक्षाओं में चारों ओर घूमते रहते हैं और धारा लूप बनाते हैं और धारा लूप बनाते हैं। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे धारा लूपों को चुंबकीय द्विध्रुव
चुंबकीय द्विध्रुव माना जा सकता है? चुंबकीय द्विध्रुव माना जा सकता है? चलिए अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। दोस्तों ये जो चुंबकीय प्रेरण है, तो चुंबकीय प्रेरण नाम कहां से आया तो हम लोग देखते हैं यहां पर कि मूल कण या फिर परमाणु के अंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको पता होगा कि कोई भी नाभिक के चारों ओर जो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो चारों ओर कक्षा लगाता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। तो सेम कंडीशन वैसा ही, जैसे इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करता है, गमन करता है, ठीक उसी प्रकार यहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र एक धारा लूप बनाती है, यानी कि वृत्ताकार फॉर्म में घूमकर। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लिया कि कोई एक ट्यूब है, फिगरली ड्रॉ करने वाले यहां पे, कोई एक ट्यूब है बेलनाकार, ठीक है, एक बेलनाकार ट्यूब ये हो गया और एक बेलनाकार ट्यूब ये हो गया, ठीक है, दो बेलनाकार हम लोगों का यहां से ट्यूब मिल रहा है, ठीक है। अब ये दो जो बेलनाकार ट्यूब है इस पे हम लोग लपेटे हुए हैं वायर को, ठीक है, तार को हम लोग लपेटे हुए हैं, इस पे भी सेम कंडीशन है और इसमें भी सेम कंडीशन है। दोनों में हम लोग वायर को लपेटे हुए हैं, ठीक है। इसको डॉट से दिखा देते हैं ताकि ये पता चल रहा है कि वो अंदर से है, ठीक है, ये पता चल रहा है कि वो उधर से ऐसे लपेटा हुआ है। इसमें भी जरा दिखा देते हैं कि अंदर से लपेटा हुआ है, एक ही तरफ का ना कहीं से दिखेगा, चलिए। तो बात किया जा रहा है कि अब दोनों में ही आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट के दौरान दोनों में ही आपको आई करंट देना है, नहीं, एक में आपको आई करंट देना है और एक में कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो जब दोनों में ये पाया गया, दोनों में ये पाया गया कि जब हम लोग आई करंट दे रहे थे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा था, चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी वायर में, किसी भी तार में जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का गुण आ जाता है। यहां पे जब करंट पास करते हैं तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति की उपस्थिति में जब यहां पे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हो गया तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का जो गति हो गया एक ही दिशा में गति हो गया, देख पा रहे हो, ये दिशा हो गया इलेक्ट्रॉन की दिशा, यानी कि यहां पे हमको पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन की जो गति हो गई एक दिशा में हो गई, कब, जब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति थी तब। लेकिन यहां पे अगर हम लोग लिखें कि चुंबकीय क्षेत्र की
अनुपस्थिति है यहां पे, अनुपस्थिति। तो जब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थिति है, नहीं है, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होंगे, जरा देखते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ नीचे मुड़ रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, यानी कि कोई ठीक ही नहीं है कि किधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। यानी हम ये बोलेंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, मौजूद नहीं था, तब उस इलेक्ट्रॉन की गति कैसी थी, तो असमदैशी थी। असमदैशी का मतलब उसका दिशा किधर भी हो सकता था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उसको देख पा रहे होंगे एक ही तरफ का उसका डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने के बाद नीचे एरो देंगे, क्योंकि अभी चुंबकीय प्रेरक में ही अभी हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे जब चुंबकीय पदार्थों को, जब चुंबकीय पदार्थों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारा लूप का संरेखण, धारा लूप का संरेखण, संरेखण का मतलब, संरेखण का मतलब ये जो हम लोग खींचे हैं ना, ये तार को लपेटे हैं, यही धारा लूप का संरेखण कहलाता है। संरेखण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाता है, नेक्स्ट एरो देंगे लिखेंगे इस अवस्था में, इस अवस्था में चुंबकीय आघूर्ण का, चुंबकीय आघूर्ण का कुल परिमाण, कुल परिमाण शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, अतः अतः चुंबकीय पदार्थों में, अतः चुंबकीय पदार्थों में बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय आघूर्ण को इस प्रकार से प्रेरित होने की घटना को, इस प्रकार प्रेरित होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चलिए तो हम लोग यहां से देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग वही लिखे कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति थी, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन अपने से मूव कर रहे थे, लेकिन जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति हो गई तो सीधे उसका डायरेक्शन बदल गया। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर, करंट अगर इधर मूव कर रहा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र में, वो पूरा का पूरा अपोजिट हो जाता है।
तो इसी के वजह से हम बोलते हैं कि जब मेरा जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं पास आउट हो रहे थे तब तो वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो किया गया इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा डायरेक्शन में घूमना शुरू करता है। तो जैसे ही उल्टा डायरेक्शन शुरू किया तो वो टोटल परिणाम कितना हो गया, टोटल परिमाण का वैल्यू कट के जीरो हो गया। और यही जीरो होने के कारण इसको इसमें चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, यानी कि इस घटना को जब जीरो हो जाता है इलेक्ट्रॉन का दिशा और धारा की जो दिशा होती है उसे बिल्कुल पलट जाती है। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है, तब उस केस में होता क्या है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती हैं, सिवाय कुल परिमाण जीरो हो जाता है। अतः वहीं से इसी प्रक्रम के कारण हम लोगों को चुंबकीय प्रेरण प्राप्त होता है, यह घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया जाए चुंबकन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक चुंबकन, टॉपिक लिखा जाए चुंबकन। चुंबकन में फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में निहित परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण उस बिंदु पर चुंबकन कहलाता है। उस बिंदु पर चुंबकन कहलाता है। नेक्स्ट एरो देंगे चुंबकन का नेक्स्ट एरो, चुंबकन को कैपिटल एम वेक्टर से सूचित किया जाता है। चुंबकन को कैपिटल एम बड़ा एम का वेक्टर से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे चुंबकन एक सदिश राशि है। चुंबकन एक सदिश राशि है। चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़े यहां पे कि चुंबकन का डेफिनेशन क्या हुआ, तो प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव का जो वैल्यू होगा वह चुंबकन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? चुंबकन कहलाता है। प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव का जो वैल्यू होता है वह चुंबकन कहलाता है। इट मींस कि चुंबकन का फार्मूला क्या बोला, प्रति एकांक आयतन यानी नीचे होगा आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव, ऊपर हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव ऊपर होगा और नीचे होगा आयतन। ठीक है, यानी कि चुंबकन का फार्मूला क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव बट्टा में आयतन। ठीक है, तो कुल मिलाकर चुंबकन का जो फार्मूला होगा चुंबकीय द्विध्रुव बट्टा में आयतन, ये हम लोगों का फार्मूला होगा। फिर अगर बात करते हैं तो हम लोग चुंबकन को किससे सूचित करते हैं, एम वेक्टर से सूचित करते हैं। बराबर, चुंबकीय द्विध्रुव को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव को छोटा एम से सूचित करते हैं।
और चुंबकन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा एम से। और चुंबकन एक सदिश राशि होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, हम यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं कि चुंबकन और चुंबकीय द्विध्रुव दोनों में अंतर है। देख लो भाई, चुंबकीय द्विध्रुव किसको कहते हैं, ये हम लोग पीछे पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में। तो चुंबकीय द्विध्रुव को हमेशा छोटा एम से सूचित करते हैं और आयतन को हम लोग भी से सूचित करते हैं, तो और चुंबकन को कैपिटल एम से सूचित करते हैं, और यह एक सदिश राशि होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुंबकन क्या है, तो चुंबकन हम लोग उसको कहते हैं जो प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकन कहते हैं। ठीक है, यानी चुंबकन किसको बोलते हैं हम लोग सिंपल वे में, तो प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव का जो वैल्यू होता है वो चुंबकन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, चुंबकन। ठीक है, चलिए, तो यानी कि हम लोगों को यहां पे चुंबकन का वैल्यू, चुंबकन का फॉर्मूला क्या मिला, एम बटा वी, जहां छोटा एम क्या बतलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव, और वी क्या बताता है, आयतन। ठीक है, चलिए, तो अगर बात किया जाए तो चुंबकन का एसआई मात्रक क्या होता है, उसके नीचे लिखेंगे, चुंबकन का एसआई मात्रक, चुंबकन का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। यहां पे लिखिएगा, चुंबकन का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। अब देखिए एम्पियर प्रति मीटर कैसे आता है, हम लोग यहां पे प्रूफ भी कर लेते हैं एम्पियर प्रति मीटर आता कैसे है। चूंकि आप ये लिख सकते हैं कि चुंबकन का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या मिल रहा है, बटा आयतन। ये तो हम लोग समझ रहे हैं ना कि छोटा एम क्या बतलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव को बतला रहा है। ये क्या है भाई, चुंबकीय द्विध्रुव, और भी क्या है, आयतन। तो हम लोग का चुंबकीय द्विध्रुव का वैल्यू क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और बटा आयतन का ऐसा मात्र क्या होता है। तो जब कभी भी आयतन हम लोग निकालते हैं ना, वो मीटर क्यूब में निकलता है, तो नीचे हो गया मीटर का क्यूब। ठीक है, नीचे हो गया मीटर क्यूब, और अगर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर क्यूब है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर है और एक मीटर से, तो एक ठो कट जाएगा और ऊपर जाएगा, तो एम्पियर मीटर हो गया। यानी कि यही हो गया हम लोगों का चुंबकन का एस आई मात्रक। ठीक है, तो चुंबकन का एस आई मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस पे कर दिया जाए, लिखा जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा जाए लिखेंगे किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव 2.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर है, यदि इस चुंबक का आयतन 0.03 मीटर क्यूब हो तो 0.03 मीटर क्यूब हो तो इस चुंबक का चुंबकन ज्ञात करें, इस चुंबक का चुंबकन ज्ञात करें।
ठीक है, इस चुंबक का चुंबकन ज्ञात करें। देखिए सवाल में क्या क्या दिया है, आप सिंपल वे में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, तो हमें चुंबकीय द्विध्रुव दिया है 0.24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर अगर हम लोग आयतन का बात करें तो आयतन कितना दिया है 2.4 और 0.03 मीटर क्यूब आयतन दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपल वे में इसका चुंबकन निकाल सकते हैं। तो चुंबकन को हम लोग को यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, आप सिंपल एक फार्मूला लगाइएगा एम कैपिटल एम वेक्टर इज इक्वल टू एम बटा में वी, आप सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिएगा और चुंबकन का ऐसे मात्रक क्या होता है एम्पियर प्रति मीटर, तो एम्पियर प्रति मीटर लगा दीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं, टॉपिक है चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता क्या है उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे किसी चुंबकीय पदार्थ को, किसी चुंबकीय पदार्थ को जब किसी चुंबक क्षेत्र में रखा जाए तो, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय द्विध्रुव के संरेखण के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के संरेखण के कारण पदार्थ चुंबकित हो जाता है, पदार्थ चुंबकित हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि आखिर चुंबकीय तीव्रता का मतलब क्या है, ठीक है। तो चुंबकीय तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, जैसे मान लिया कि यहां से बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र पास कर रहा था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र पास कर रहा था, एटेंडेंस ऐसे, ठीक है, बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र यहां से पास कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र यहां से गुजर रहा था, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा हुआ कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ को इस क्षेत्र में ऑटोमेटिक लाया गया। देखिएगा सवाल समझिएगा क्या होता है चुंबकीय तीव्रता, तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, अंदर का इंटेंसिटी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमेशा फ्लो हो रहा था, बह रहा था, अपने रास्ते पे जा रहा था, लेकिन इसके बीच में एक लोहे का टुकड़ा या फिर चुंबकीय पदार्थ बोल लीजिए, कोई चुंबक को भी रख सकते हैं, यहां पर दोस्तों रख दिया गया। हम लोग यहां पे चुंबक को कुछ इस तरीके से रखा हुआ शो कर रहे हैं, एक क्या है दोस्त, एक यहां पे चुंबक है, ठीक है, एक यहां पे चुंबक है। इस चुंबक को जैसे ही इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो पाया गया, क्या पाया गया भाई, कि ये जो सब सारा लाइंस ड्रॉ हो रहा था ना, ये अब ऐसे ड्रॉ नहीं हो रहा है, अब ऐसे ड्रॉ नहीं हो रहा है,
अब इसका जो दिशा जो है ना बदल गया। कैसे बदल गया जरा देखिए, सब जो है ना कर्व लाइन की ओर मुड़ गया ऐसे। देख पा रहे होंगे आप, जैसे सिकुड़ना आप सुने ना वर्ड, सिकुड़ना, सेम थिंग्स वैसे ही हो रहा है। देख पा रहे हो क्या गया यहां पे? जी हाँ बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे कि उस टाइम जब हम लोग किसी भी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ को नहीं रख रहे थे तो बिल्कुल अपने सीधे रास्ते में वो चला जा रहा था, लेकिन जब जैसे ही हम लोग बीच में एक चुंबकीय पदार्थ को हम लोग रखे, चुंबकीय पदार्थ को रखे तो क्या हो गया यहां पे? यहां पे क्या हो गया हम लोगों का? तो चुंबकीय क्षेत्र में इंटेंसिटी हो गया, कुछ एक्सप्रेस हो गया। किसके वजह से? तो ये चुंबकीय पदार्थ के वजह से दोस्त, इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। तो इस चुंबकीय तीव्रता का आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। आप थोड़ा सा यहां पे ना ऐसे कर्व करके दिखाइएगा कि इसके वजह से ये जो चुंबकीय क्षेत्र सीधा नहीं होकर थोड़ा सा इसके तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी जो पावर है ना, इसकी शक्ति को खींच रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को और रियलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का चुंबकीय तीव्रता है। और भी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं प्रूफ करने वाली, उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। फिलहाल इस फिगर तक ही छोड़ दीजिए और अगले दिन हम लोग फार्मूला प्रूफ को भी देखेंगे और आगे की जो चीजें हैं चुंबकीय तीव्रता में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।